हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए, ये मम्मी जी मेरी गुस्से में साड़ी फाड़ डाली। कितनी साड़ियाँ थी, आज तो दो ही फाड़ी हैं। मैं मजाक कर रही हूँ, गुस्से में नहीं फाड़ी हैं। ये वो पुरानी साड़ियाँ थी जिनको मतलब मम्मी फाड़ के ना इनको वो पैर में पोछने के लिए या पैरदानी बोलते हैं बनाई हैं। और आज मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल लाई हुई हूँ। हॉस्पिटल नहीं, मतलब कि ये हॉस्पिटल एरिया है पूरा जो दिख रहा है आपको। यहाँ मैं पैथोलॉजी आई थी अपना CBC चेक करवाने, तो क्योंकि बहुत दिन से थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है और मतलब परेशानियाँ हैं मुझे थोड़ा हार्मोनल भी प्रॉब्लम है, तो वही मैं चेक करवाने आई थी। तो शाम का वक्त था, फिर भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे चहल पहल नहीं है। ये है कि अब लॉकडाउन खुल गया है, इसलिए थोड़ा दुकान भी खुली हुई है। बाकी का 4 बजे से बंद हो जाती हैं। जो मेडिकल का है वही खुली रहती हैं, जैसे पैथोलॉजी हो गया या फिर मेडिकल स्टोर हैं और क्लिनिक हैं छोटे, तो वो खुले रहते हैं। बाकी के सारे शॉप्स बंद हैं। तो मैं थी और मेरी बगल में एक ननद रहती हैं पड़ोस की, तो वो और हमारे यहाँ ना पूरा जंगल जंगल है। तो ये जो ग्रीनरी दिख रही ना आपको उधर, तो वो पूरा जंगल है बीच में। कभी उधर अगर जाऊँगी मैं तो दिखाऊँगी। और बहुत ही प्यारा, इस टाइम पे बारिश हो गई ना तो जो गर्मी के मौसम में एकदम उजड़ा चमन हो जाता है, तो वो रहता तो वो नहीं है। और ये पैथोलॉजी वाले भैया हैं जिनके यहाँ मैं चेकअप करवाने गई थी। तो यही मेरा चेक किए हैं, ब्लड निकाले हैं और आधे घंटे के अंदर टेस्ट हो जाता है, तो वही निकाले हैं। और मैं इनसे बात कर रही थी, फिर मैं आधे घंटे के बाद चल रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। और रिटर्न जाते वक्त कोई सब्ज़ी नहीं खुली थी, ये ठेले वाले जा रहे थे तो इनसे सब्ज़ियाँ लेना था। बच्ची कुछ ही सब्जियाँ थी और दो फल थे। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे।